सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो होने वाली है कुछ अलग, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। वो मूवी है डोरेमोन की, तो डोरेमोन की मूवी है डोरेमोन मूवी द बर्थ ऑफ जापान। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल बाकी इंट्रो लगा, ठीक है? कोई नहीं, मैं इंट्रो लगा देता हूँ। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है एक जंगल से, जहाँ पे हमें शुरू को थोड़े बहुत जानवर दिखाए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे आता है ये कैरेक्टर, इसका नाम आपको आगे भी नहीं पता चल जाएगा। ये जो होता है वहाँ पे आपको मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। फिर वो बेर को देखता है कि उसने मछली पकड़ लिया है अपने मुँह से, तो वो मछली पकड़ने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है। नदी के अंदर कूदने के बाद वो मछली ढूंढता है और उसे मछली मिल भी जाती है और वो मछली को पकड़ लेता है। मछली को पकड़ने के बाद वो अपने घर जाने लगता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंच जाता है, वो देखता है कि उनका जो गांव था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये देखकर वो घबरा सा जाता है और वो मछली छोड़कर वहाँ भाग जाता है और अपने घर के पास आता है और वो देखता है सब कुछ जला हुआ है। तो अपने मम्मी पापा को आवाज देता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, वहाँ पर कोई नहीं होता। वहीं पर एक होटल खुल जाता है, जिस होटल के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा। तो ये जो पोर्टल होता है, ये जो कैरेक्टर होता है, इसको अपने अंदर खींच लेता है। ये कैरेक्टर जो होता है अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है और वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो कि है कैमरा एंगल चेंज हो जाता है और नोबिता का घर हमें दिखाया जाता है, जिसके अंदर नोबिता की मॉम नोबिता को चिल्ला रही होती है कि उसको पेपर में जीरो मिला होता है। वो नोबिता को उसका पेपर दिखाते हैं और इतना ही नहीं, वो उससे ये कहती है कि उसने उस पेपर को जीरो नहीं लाया बल्कि पेपर को पीछे ड्राइंग भी कर दिया है। जो नोबिता होता है वो जवाब देता है कि कोई बेकार से ड्राइंग नहीं, ये लेगेसी से। जो सुनकर नोबिता की मॉम जो होती है बहुत चौंक जाती है। उसके नोबिता की मॉम उसको कहती है, आज के बाद से तुम्हें कॉमिक बुक नहीं पढ़ने मिलेगी, टीवी देखने नहीं मिलेगा और तुम्हें दोपहर की नींद करने को भी नहीं मिलेगा। जो सुनकर नोबिता बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जोर से उठता है और उसको दीवार लग जाती है। उसके बाद जो होता है, नोबिता का रूम हमें दिखाया गया है। नोबिता अपना बैग अपने डेस्क पर फेंकता है और डोरेमोन से कहता है, मैं ये सब सुन सुन कर थक चुका हूँ, अब बहुत हो गया, मैं घर से भाग जाऊँगा। ये सुनने के बाद नोबिता कहता है आगे डोरेमोन को कि अब बहुत हो चुका, तुम मुझे रोकोगे तो भी मैं नहीं रुकूँगा। तो इतने में डोरेमोन अपना कहता है कि वो उसे रोकेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ये सुनकर नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और वो जो डोरेमोन की कॉमिक होती है वो डोरेमोन के सिर पर मार देता है। उसके बाद जो कि है, नोबिता कहता है कि हर बार मैं फेल हो जाता हूँ, पर इस बार मेरे पास एक अच्छा प्लान है जिससे मैं काफ़ी टाइम तक अकेला रह सकूँगा। डोरेमोन कहता है, कैसा प्लान? तो नोबिता कहता है, मुझे इंडिपेंडेंट रहने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है, वो है खाना, घर और कपड़े। तो डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि तुम्हें कैसे करोगे। तो नोबिता जो होता है डोरेमोन के ऊपर गिर कर उसे कहता है कि मुझे अपने गैजेट्स दे दो, और उसे मना लेता है किसी भी तरह से। तो जो डोरेमोन होता है उसे अपने गैजेट्स दे देता है। उसके बाद जो होता है डोरेमोन उसे कहता है, ये तुम मुझ पर ही डिपेंड हो। नोबिता कहता है, ऐसा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये है मेरा पहला कदम मेरे आज़ादी की ओर, और उतने में वो अपनी सीढ़ियों से गिर जाता है। गिरने के बाद जो डोरेमोन होता है वो कहता है कि तुम अपना पहला कदम ही ठीक से नहीं ले पाए तो तुम इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे। और नोबिता होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है, डोरेमोन। उसके बाद शुरू हो जाता है उसका थीम सॉन्ग। फिर जो गिरने की आवाज़ आती है उसके कारण नोबिता की मॉम अपने रूम से बाहर आती है और वो नोबिता को चिल्लाने लग जाती है कि तुम पढ़ाई के अलावा खेलने के लिए फिर से जा रहे हो। तो जो नोबिता होता है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजे के पास भागता है और जो अपनी मॉम को वो जीप दिखा देता है, जहाँ का रुकनी है, और चिढ़ा कर वहाँ से भाग जाता है। उसका कैमरा एंगल चेंज हो जाता है और हमें इनका खाली मैदान दिखा जाता है, जहाँ पर जियान सुनियो और शिजुका दिखाएगी।
उसके बाद सब लोग पूछते हैं क्या है। तब नोबिता बाहर आकर कहता है हेलो दोस्तों, तुम लोग आ सकते हो मेरे साथ, मैं यहाँ पे अकेले रह रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रह रहा हूँ इस बार मैं फेम नहीं होने वाला। लेकिन जिया नबसुमी और शिजुका जो होते हैं उसका मजाक उड़ा देते हैं। उसके बाद जो नोबिता होता है उन्हें रुकने की कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं रुकता, इसलिए वो जाकर अपने बेड पर वापस से सो जाता है। जैसे वो सो जाता है तो वहाँ पर उसके जो कैंपिंग कैप्सूल होता है उसे कोई एक हथौड़े से मार रहा होता है। वो देख कर नोबिता नीचे आता है और उस आदमी पर चिल्ला देता है, लेकिन वो आदमी वो फिर से नोबिता पर उल्टा चिल्ला देता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पे अपना घर कैसे बना सकते हो। तो नोबिता कहता है ये जगह पे ऐसी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो आदमी कहता है हाँ ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो अपना जो ये चीज़ जो भी तुमने यहाँ पे लगा रखी है इसको यहाँ से दूर ले जाओ। फिर उसका कैमरा एंगल चेंज होता है और हमें दिखाती है उनके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी, जहाँ पर नोबिता जो कि होता है वो अपना कैंपिंग कैप्सूल लगा देता है वहाँ पर। और वो वहाँ पर शिजुका के लिए एक लेटर दिख रहा होता है कि उतने में ही वहाँ पर जो उसका कैंपिंग कैप्सूल होता है वो नीचे गिर जाता है। तो जब नोबिता बाहर आकर देखता है कि क्या हुआ है, तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर काम चल रहा है। तो वो वापस से अपने घर आ जाता है, जहाँ पर डोरेमो नोबिता से कहता है कि इस बार तुम पिछले बार से भी जल्दी घर वापस आ गए। तो मैं लोगों का कहता है कि मैं घर वापस नहीं आया, मुझे एनिमल डोर चाहिए तुम्हारा, प्लीज़ एक बार ये लास्ट टाइम होगा। तो डोरेमोन होता है उसे एनिमल डोर दे देता है और जो नोबिता होता है वो एक किसी गांव में चला जाता है और वहां पर जाके वो फिर से अपना कैंपिंग कैप्सूल लगा देता है। उसके जो हमारा कैमरा एंगल होता है फिर से चेंज होता है और हमें जियान का घर दिखाया जाता है। और जो जियान होता है वो अपनी मॉम से शिकायत कर रहा होता है कि मुझे खेलने जाना है, मुझे स्टोर का ध्यान नहीं रखना। लेकिन उसकी मॉम जो होती है उसे मारती है और उसे कह देती है कि तुम्हें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्टोर का ध्यान रखना है। तो जो जियान होता है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। और वो कहता है आई हेट यू मॉम करके वो अपना सामान पैक करके अपने घर से निकलता है। जैसे वो अपने घर से बाहर निकलता है जो मॉम होती है उसे चिल्लाने लग जाती है और वो जो जियान होता है वो भाग जाता है। तो जो जियान होता है वो थोड़ा सा सोचता है कि इस बार मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उतने में ही वो जब ब्रिज के पास आता है तब उसे शून्य दिखाई देता है। तो जब शून्य होता है तो दोनों आके एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों आकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और रोने लग जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को पूछते हैं कि क्या तुमने जिया नोबिता को देखा है, तो दोनों मना कर देते हैं एक दूसरे को। तो शून्य कहता है कि मेरी मॉम मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए फोर्स करती है जो कि मुझे नहीं करना, मुझे खेलना आता है फिर भी वो मुझे फोर्स करती है। उसने नहीं वहाँ शिजुका आ जाती है और वो भी उनसे पूछती है क्या तुमने नोबिता को देखा। तो ये दोनों जो होते हैं शिजुका को लेकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तो शिजुका उन्हें बताती है कि ऐसे तो मुझे घर पे कोई चिल्लाता या मारता नहीं है, पर फिर भी मुझे एक फोर्स जैसा फील होता है कि मुझे पियानो सीखने के लिए मेरे मॉम जो है वो बहुत फोर्स करते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद कैमरा एंगल फिर से चेंज होता है और हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है। उतने में ही जो एनिमेटर होता है वो बजने लग जाता है, एनिमेटर से खूब सारा पानी आ जाता है। तो जो डोरेमोन होता है वो नोबिता से पूछता है क्या है, तो नोबिता कहता है कि वहाँ पर एक बाढ़ आ गया था। तो डोरेमोन किसी तरह से एनिमेटर बंद करता है और फास्ट रूप से पानी को बाहर फेंक देता है जबकि। तो अब डोरेमोन नोबिता से कहता है कि इस बार बहुत हो गया, तुम आप घर पे ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। तो नोबिता जो कहता है डोरेमोन को कहता है नहीं तुम मुझे अपनी ड्रिलिंग मशीन दो, मैं ज़मीन के अंदर रह लूँगा। तो जो डोरेमोन होता है उसे चिल्ला देता है और फिर जो उसका है वो कहता है कि तुम इस बार मेहनत करो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन जो नोबिता होता है वो नहीं मानता है और वो जो होता है अपने घर से फिर से भाग जाता है। तो जो डोरेमोन होता है वो थक जाता है उसे समझाकर। फिर उसके बाद उसकी जो मॉम होती है डोरेमोन को नीचे बुलाती है और उसे दिखाती है एक फैन। तो जैसे कि डोरेमोन को जो होते बहुत डर लगता है तो वो डर के एकदम पीछे से भाग भी जाता है और अपने जो घर के सामान्य उलट पुलट कर देता है। तो डोरेमोन उनसे कहता है कि ये चूहा यहाँ क्या कर रहा है, तो उसकी मॉम कहती है चूहा नहीं ये एक हैमस्टर है। तो डोरेमोन कहता है जो कोई भी हो लेकिन ये एक चूहे जैसा ही है। तो उसके जो डैड होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि मेरे बॉस जब तक ऑफिस में आते तब तक मुझे इसका ख्याल रखना होगा।
तो जो डोरेमोन होता है बहुत गुस्सा होता है, उसके बाद कैमरा एंगल चेंज हो जाता है और फिर हमें नोबिता को देखा जाता है जो कि एक चूल्हे पर बैठा होता है। तो वहाँ पर आ जाते हैं जियान, सुनियो और शिजुका, जो जिसे कहते हैं कि हम तुम्हारा तुम्हें साथ देंगे। जब नोबिता ये सुनता है तो नोबिता कहता है वो असल में, जैसे ही नोबिता ऐसा कहता है तो सब लोग तीनों जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत चीप हो, तुम बहुत मतलबी हो, तुमसे अपने मतलब के लिए ही हम तुमसे अपना ही अच्छा चाहते हो। तो नोबिता के वो लोग पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, जियान और सुनियो उसके मारने के लिए पीछे भागने लग जाते हैं और शिजुका उसके पीछे रहती है। तो जैसे वो उनके घर के पास पहुँचते हैं वहाँ पर डोरेमोन जो होता है घर के बाहर रहता है और वो कहता है मैं भी घर से बाहर भागूंगा। तो कैमरा एंगल चेंज होता है और हमको पीछे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ दिखाती है जहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जितने भी लैंड है, जितने भी लैंड प्रॉपर्टीज़ है, हर इंसान ने ओन कर रखी है, ऐसी एक भी जगह नहीं जहाँ कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं की हो। तो उस तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है कि काश हम लोग तब पैदा होते जब यहाँ पर कोई था ही नहीं। तब नोबिता के दिमाग में आइडिया आता है और वो कहता है हम उस समय पर चलेंगे जब इस दुनिया में कोई इंसान थे ही नहीं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं चलो तुम्हारा एक आइडिया तो सही निकला। ये सुनने के बाद सब लोग मान जाते हैं और नोबिता के घर चले जाते हैं। उसके बाद जो है कि कैमरा एंगल चेंज हो जाता है और हमें नोबिता का रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर वो लोग टाइम मशीन के अंदर जा रहे होते हैं और डोरेमोन उनको टाइम मशीन के बारे में बता रहा होता है कि सब लोग डोरेमोन को उसके टाइम मशीन के अंदर धकेल देते हैं। उसके बाद जो होता है डोरेमोन उनसे पूछता है कि आखिर हमें जाना कहाँ है, जो वो कंप्यूटर होता है टाइम मशीन का वो भी उनसे पूछता है कि आपको जाना कहाँ है। सब लोग जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको जाना कहाँ है और वो लोग उनको समझ में नहीं आता कि किस समय जाए। उसके आगे का सीन मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर। ओके, तो जिनको नहीं समझा उनको मैं फटाफट से बता देता हूँ कि जो बीच में वो प्रॉब्लम आई थी टाइम पोर्टल में वो था टाइम टर्बुलेंस, जो जिसके अंदर वो फर्स्ट कैरेक्टर जो कि फर्स्ट सीन में था वो अब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद जो कि डोरेमोन सबसे कहता है कि तुम लोग जाके जगह को एक्सप्लोर कर लो, सब लोग चले जाते हैं देखने के। उसके बाद जो डोरेमोन होता है वो टाइम मशीन के आसपास एक अलग सी पाउडर छिड़क देता है। तो नोबिता पूछता है उससे कि आखिर ये है क्या। तो डोरेमोन कहता है रुको तुम अभी देख लो, और जो टाइम मशीन होती है वो चमकने लगती है और वो ज़मीन के अंदर जाने लग जाती है। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये जो पाउडर मैंने इस पे छिड़का है ये आसपास की ज़मीन को पानी बना देता है। उसके बाद जो कि सुनियो को एक छींक आती है और वो कहता है यहाँ पर ठंडी है। तो सब लोग जो कि है डोरेमोन को पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों। तो डोरेमोन बताता है कि अभी अभी ये दुनिया आइस एज से इफ़ेक्ट हुई है और वो बताता है कि एक ज़माना था जब पानी की नदियाँ भी आइस से ढक चुकी थी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, वो उन्हें गैजेट दे देगा, ऐसा डोरेमोन कहते हैं। उसके बाद जो कि डोरेमोन सबको पूछता है कि तुमको कैसी दुनिया चाहिए। तो उसके बाद जो नोबिता होता है वो कहता है मुझे सोने के लिए जगह चाहिए, सुनियो कहता है मुझे गेम्स चाहिए और जियान कहता है मुझे कॉन्सर्ट हॉल चाहिए। तो डोरेमोन का मुँह आप लोग देख सकते हैं कैसा हो जाता है। उसके बाद जो शिजुका होती है वो कहती है कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे फूलों से भरा एक गार्डन हो और वहाँ पर एक रेनबो हो और वो एक नदी के पास हो। जो डोरेमोन सुनकर कहता है ठीक है हम लोग चल के अपना काम करते हैं। तो जो सुनियो और जियान होते हैं वो लोग कहते हैं हम लोग जाके कहीं और एक्सप्लोर करते हैं, और जो नोबिता होता है वो शिजुका और डोरेमोन के पीछे चला जाता है। जियान और सुनियो को एक पत्थर मिलता है तो जियान कहता है कि
ये पत्थर काफ़ी अच्छा है। तो सोनिया कहता है उसे कि मैं तुम्हारी एक फ़ोटो लेता हूँ। तो जो सोनिया होता है वह अपने बैग से कैमरा निकालता है और जियान को पोज देने के लिए कहता है। तो जैसे ही उसका कैमरे का एंगल हमको दिखाया जाता है तो जियान के सिर पर दो सिंग दिखते हैं, जिसको देखते सोनिया हैरान हो जाता है। और जब कैमरा हटाया जाता है तो लोग देखते हैं कि उनके पीछे एक बाइसन होता है। उसके आगे का सीन आप लोग देख लीजिए। वो जो डोरेमोन का गैजेट होता है वो उसे कहीं दूर ले जाता है। और जो डोरेमोन होता है वो एक गैजेट निकालता है, इसका नाम है प्रीहिस्टोरिक सेट। इस सेट से उन्हें ठंडी नहीं लगने वाली है भले वो कितने भी डिग्री हो। तो सब लोग देखते हैं तो शिज़ुका जो कि कहती है कि जो स्पीयर यानी कि भाला डोरेमोन ने उनको दिया है वो काफ़ी हल्का है। तो जो नोबिता होता है वो देखते हैं यहाँ पे दो बटन है, तो वो एक बटन दबाता है जिसके कारण नोबिता को जोर का शौक लगता है। और डोरेमोन कहता है कि इस शौक से एक मैमथ भी नीचे गिर सकता है। उसके बाद जो सोनिया होता है वो अपने स्पीयर से एक लाइन खींचना शुरू हो जाता है और कहता है यहाँ से मेरा लैंड है। जिसको देखते जियान और नोबिता दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं और अपना लैंड ऑन कर देते हैं। जिसे देख के डोरेमोन और शिज़ुका दोनों ही बहुत निराश हो जाते हैं। और वो दोनों होते हैं तीनों को रोक कर एक दूसरी जगह चले जाते हैं। और उन्हें थोड़ा सा दूसरी जगह आने के बाद डोरेमोन कहता है कि हमें यहाँ पे एक केव बनाना होगा जिसके लिए हमें डिगिंग करनी होगी। और नोबिता कहता है बहुत हार्ड है। तो डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है एज़ यूजुअल, और वो गैजेट का काम ये होता है कि वो बहुत हल्का होता है, जिसको थोड़ा सा भी प्रेस करने से वो जमीन के अंदर आराम से चल जाता है। और डोरेमोन घर बनाने के लिए अपने और गैजेट सबको दे देता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पार्ट वन पसंद आएगा। पार्ट टू जल्दी ही मैं लाने की कोशिश करूँगा, अगले 3-4 दिन में मैं लाने की कोशिश करूँगा। और जाके मेरे सेकेंड चैनल को भी चेक कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जाके मेरे सिस्टर के चैनल को भी चेक कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। सो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Say goodbye, refuse to question why.